तो यार आज के वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ में बताऊंगा ओप्पो A5 A9 2020 डिवाइस में कलर रश 11.1 का बीटा अपडेट 3 GB रैम वाले यूजर्स को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसा लेक फ्रेंड रोमेंट निकल के आ रहा था कि ओप्पो A5 A9 2020 डिवाइस में कलर रश 11.1 का बीटा अपडेट उन यूजर्स को नहीं मिलेगा जिनके फोन का रैम 3 GB है। फिर आगे क्या कुछ कैसे होगा, आपको अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर हो सके तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, बिकॉज में भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काफी सारे ट्वीट एंड लेख देखने को मिले होंगे जहां पे क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है भाई ओप्पो A5 या फिर ओप्पो A9 2020 डिवाइस में कलर रश 11.1 का बीटा अपडेट उन यूजर्स के डिवाइस में नहीं मिलेगा जिनके फोन का रैम 3 GB है, क्योंकि भाई कलर रश 11.1 बीटा अपडेट या फिर ऑफिशियल वर्जन रन करने के लिए आपके डिवाइस में काफी ज्यादा रैम स्पेस की जरूरत होगी एंड 3 GB रैम वाले यूजर्स को कलर रश 11.1 का अपडेट नहीं मिलेगा क्योंकि उनका फोन सपोर्टेड नहीं है। एंड हम आपके डिवाइस में कलर रश 11.1 पे ही न्यू अपडेट को प्रोवाइड किया जाएगा लाइक दैट अ सिक्योरिटी पैच अपडेट जिसमें आपके परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा कलर रश की तरफ से। एंड जहां तक रही बात आपके डिवाइस में कलर रश 11.1 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो भैया मैंने कॉन्टेक्ट किया था ओप्पो इंडिया पे एंड वहां पे मुझे रिप्लाई जो मिला आप सुन सकते हैं। फोन में अगर अपडेट आती है तो आपको फोन नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप उसे फिलहाल ओप्पो A5 2020 डिवाइस में बीटा अपडेट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ओप्पो की तरफ से रिप्लाई ये आया था कि जिनका फोन 3 GB रैम के साथ में है उनके डिवाइस में ये बिट नहीं मिलेगा। सर 3 GB वाले जो डिवाइसेज हैं उनमें भी अपडेट आएगी, ऐसा नहीं है कि अगर 3 GB वेरिएंट में अगर डिवाइस है तो उसमें अपडेट जो है सर कोटा वाइज आती है, तो उस वजह से हो सकता है अभी तक अपडेट आई नहीं है। तो अपडेट जो अवेलेबल है वो 14 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक जो है अवेलेबल है। अगर अभी अपडेट अवेलेबल नहीं हुई है, आपके फोन में नहीं आई है, तो कुछ समय तक वेट कर लीजिए, अपडेट आ जाएगी। ओके, तो आप प्लीज आप ऐसा कीजिए, आप अगर आपको रिप्लाई मिला था तो आप प्लीज उसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप अगर जैसे कि आपने बताया आपको ट्विटर पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी जो 3 GB वाला जो वेरियंट है उसमें अपडेट कम्पेटेबल नहीं होगी, एक बार उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप प्लीज हमें मेल कर दीजिए हमारी मेल आईडी पे। फिर इस कॉल रिकॉर्डिंग में क्लियरली सुनाई दे रहा है कि ओप्पो A5 या फिर ओप्पो A9 2020 डिवाइस में कलर रश 11.1 का बीटा अपडेट उन यूजर्स को भी मिलेगा जिनके फोन का रैम 3 GB है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया भाई 3 GB वगैरह से कोई मतलब नहीं है, फोन का मॉडल तो सेम है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बात होता तो ओप्पो पहले ही बता देता ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर जो मॉडल में अपडेट मिल रहा है तो उन सभी यूजर्स को अपडेट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ रिप्लाई निकल के आ रहा है ओप्पो इंडिया की तरफ से। बट यार यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमें कमेंट से देखने को मिले थे कि भाई जिनके फोन का रैम 3 GB है उनके डिवाइस में कलर रश 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा फॉर्म भी नहीं मिला था, आपके डिवाइस में बीटा फॉर्म मिला या फिर नहीं मिला आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड आपके फोन का रैम कितना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्लाई मिला जो हमें कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कॉल पे बताया गया कि भाई सारे के सारे यूजर्स को अपडेट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे एक बात और बताई गई भाई, अगर आपके डिवाइस में बीटा अपडेट नहीं मिला बीटा फॉर्म नहीं मिला तो कुछ कोटाज रहते हैं, कोटाज एंड हो चुके होंगे, उसके खातिर आपके डिवाइस में मे भी हो सकता है अपडेट ना मिला हो, ऐसा कुछ लीक निकल के आ रहा है। एंड एक बात और, अगर आपके फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई इश्यू होगा तो भी आपके डिवाइस में कलर रश 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट या फिर फर्स्ट बैच बीटा फॉर्म नहीं मिलेगा। इफ़ यू फिक्स करने के लिए आप जाओ अपने फोन की सेटिंग में एंड फिर ऐप मैनेजमेंट, फिर ऐप लिस्ट एंड ऊपर के डबल डॉट पे करो टैप, फिर फोर सिस्टम एंड फिर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सॉफ्टवेयर अपडेट इंटरफेस का डाटा कर दो क्लियर, मे भी आपके फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई इश्यू हो सकता है। अगर उसमें कोई इश्यू होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसके रिलेटेड आपको कोई सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ लेक फ्रेंड रूमर निकल के आ रहा था काफी सारे ट्वीट एंड ओप्पो के ऑफिशियल कम्युनिटी पेज में, वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि भाई आपके डिवाइस में एम सॉरी कि आपके डिवाइस में अपडेट नहीं मिल पाएगा जिनके फोन का रैम 3 GB वगैरह ऐसा कुछ था भाई। अब क्या कुछ क्लियर है, बट यहाँ पे जो ऑफिशियली तरीके से बताया गया मतलब कॉल पे हमें बताया गया ऐसा कुछ तो नहीं लगता कि आपके डिवाइस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई देखो अपडेट का मॉडल एक है एंड फोन का भी मॉडल एक है एंड पिछले दिनों में हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि आपके डिवाइस में कलर रश 11.1 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या कुछ कैफे होगा एंड आप हमें बता सकते हो। एंड जहां तक रही बात जिन्होंने बीटा फॉर्म को फिल कर दिया है, जिनके फोन में कलर रश 11.1 का फर्स्ट बैच बीटा फॉर्म मिला था उनके डिवाइस में अभी भी अंडर रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है,
एंड वहाँ पे उनका क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे डिवाइस में अपडेट कब मिलेगा या फिर हमारा फॉर्म अप्रूव या फिर पाफ्ड कब होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आपका फॉर्म रिजेक्टेड भी हो सकता है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपके डिवाइस में कलर शेलोन पॉइंट वन का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट नहीं मिलेगा। एंड जहाँ तक रही बात बीटा फॉर्म अप्रूव या फिर पाफ्ड होने की, तो भाई देखो मैं आपको अगर क्लियर बताऊँ तो ऑफिशियल तरीके से ये कन्फर्म रहता है कि आपके डिवाइस में जब फिर अंडर रिव्यू फो हुआ, मतलब आपने बीटा फॉर्म को फिल किया, फिर आपके डिवाइस में अंडर रिव्यू फो हो रहा है। एंड फिर अंडर रिव्यू फिर अप्रूव या फिर पाफ्ड होने का मैक्सिमम टाइम विद इन अ वीक होता है, मतलब एक हफ्ते से पहले पहले आपके फॉर्म को अप्रूव या फिर पाफ्ड करा दिया जाएगा कलर्स की तरफ से। अप्रूव या फिर पाफ्ड का मतलब ये है कि भैया आपने जो बीटा अपडेट के लिए अप्लाई किया था वो हमारे टीम हमारे कम्युनिटी के द्वारा सक्सेसफुली तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया एंड आपके डिवाइस में जल्द से जल्द कलर शेलोन पॉइंट वन या फिर जिस भी मेजर अपडेट के लिए आपने फॉर्म को फिल किया है वो अपडेट आपके डिवाइस में प्रोवाइड हो जाएगा। एंड जहाँ तक रही बात अप्रूव या फिर पाफ्ड होने के बाद फिर आपके डिवाइस में कितने टाइम बाद अपडेट प्रोवाइड होगा, तो भैया अप्रूव अगर या फिर पाफ्ड आपके डिवाइस में देखने को मिल गया देन आपके डिवाइस में विद इन 3 डेज के पहले पहले कलर शेलोन पॉइंट वन या फिर वो मेजर अपडेट प्रोवाइड हो जाएगा जिस भी मेजर अपडेट के लिए आपने फॉर्म को फिल किया। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम 10 दिन का है, लेकिन ये पूरा मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। इसके पहले भी आपके डिवाइस में अपडेट मिल सकता है 1 से 2 दिनों या फिर 3 दिनों के अंदर अंदर। देन यार यही इन्फॉर्मेशन है फॉर ओप्पो A5 A9 2020, जो भी यूजर है 3GB RAM वाले उनके डिवाइस में अपडेट मिलेगा। अगर आपके डिवाइस में फर्स्ट बैच बीटा फॉर्म नहीं मिला तो आप सेकंड बैच अपडेट का वेट करो, मे बी आपके डिवाइस में डायरेक्ट ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड हो या फिर सेकंड बैच अपडेट प्रोवाइड हो, जो भी जैसा कुछ होगा मैं आपको जरूर से बताऊंगा। बट अभी तक यही रही इन्फॉर्मेशन फारे की फारे यूजर्स को अपडेट मिलेगा एंड जिनके डिवाइस में अपडेट बीटा फॉर्म मिल चुका है उनके डिवाइस में जल्द से जल्द अप्रूव होगा एंड फिर पाफ्ड होके आपके डिवाइस में अपडेट मिल जाएगा। ऐसा कुछ रहा इन्फॉर्मेशन फॉर ओप्पो A5 A9 2020 एंड देन दैट फिट एंड बहुत सारा थैंक्स। वीडियो चली वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।